यस एन पावर भोजपुरी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हर वक्त आपके साथ जी, बने रहिए हमारे भोजपुरी चैनल और देखते रहिए रोमांटिक वीडियो। पहला अच्छा गाना है जो 100 मिलियन हुआ, बहुत कम टाइम में हुआ है। और बाकी लोगों के भी, बाकी मेरे भाइयों के गाने हैं वो भी होंगे, आज ही तो कल होंगे। इसमें खुशी की भी बात नहीं है, दुख की भी बात नहीं है, जिसको जितना जो पसंद करते हैं, सबका अपनी ऑडियंस है, सबके अपने प्यार करने वाले लोग हैं। और इस गाने को भाई विजय चौहान ने बहुत अच्छा लिखा था, कंपोजिशन भी बहुत अच्छा की थी, और आर्या शर्मा ने म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया था, और शिल्पी जी ने बहुत अच्छा गाया है। बड़े सारी लोगों ने बड़े ईमानदारी से मेहनत की है और सारे कमा जीवन में जब भी आपको कुछ नया देखना हो तो टैलेंट को लाना ही पड़ेगा। हर आदमी को हक है, हर लड़की को हक है अच्छा काम करने का, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। तो हर आदमी को आप सब प्यार और आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपके प्यार और आशीर्वाद से हर आदमी बड़ा हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा था एक्सपीरियंस, मतलब ये आफ्टर अ लॉन्ग, आई थिंक अच्छा गाना तो पहली बार ये भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार देखा है, और इस टाइप का शूट पहली बार देख रही हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में कोई कर रहा है। बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में सब काम करते हैं, तो वो वही सब घिसी पिटी चीजें, अगर नई चीजें कर रहे तो घिसी पिटी चीजें ला देते हैं। थैंक्स टू अलॉट बद्री जी, आप हमारे इस इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, आप लोगों का माइंड चेंज कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं। आपके पास आपको 2 मिल 10,000 है आपके पास। आप लोग कह रहे तो आप लोग कुछ कह रहे थे? मैं ये बोल रही थी कि जितने भी भोजपुरी दर्शक है, जितने भी हमारे ऑडियंस है, इस गाने को देखिए और बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट करिए, और जितना मेहनत बद्रे जी ने इसमें हम लोग उनको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने फास्ट टाइम से लेके जो बद्रे जी कर रहे हैं। बद्रे जी बहुत मेहनत की है सच में, थैंक यू। और मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी, खेसारी जी को, पाकी जी को, कि इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया टीम पे। कैमरा मैन जी बोल रहे विवेक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं पे कुछ भी मिस्टेक ना हमारे संजय भाई, एंड आफ्टर ऑल संजय बद्री जी का, आफ्टर ऑल बद्री जी का जिन्होंने सॉन्ग को बनाया। लेकिन लेकिन ये मतलब इतने वेटरन जो इंडस्ट्री के हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, तो नर्वस था या नहीं था सेट पे? मैं फर्स्ट टाइम बहुत नर्वस हुई थी बिकॉज क्योंकि हमने परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम इतना अच्छा, इतना प्रोफेशनल काम किया हमने, तो मैं बहुत नर्वस थी। उसके बाद में फिर मैंने नहीं, जब इन्होंने मुझे कैसा है एक्सपीरियंस के साथ, इतना अच्छा लगा कि मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं। एक आई एक्टर्स का वो होता है कि सामने वाले एक्टर्स वो जो आपको झगड़ा हुआ तो बता दीजिए।